ये मामला सड़क का ये है जी। पहले भी इन्होंने काफ़ी बार, मैंने ईओ साहब को इसकी वीडियो भेजी थी, कचरा पहले भी डाला गया था, लेकिन लोगों के कहने पे ये काम शुरू हो गया था। चलो ठीक है, लेकिन अब लास्ट के अंदर ये चौक है, चौक के अंदर कब इन्होंने बकाया छोड़ा हुआ काम था, जिसके अंदर के वापसी डलनी थी, वापसी की जगह पे इन्होंने पता नहीं कहाँ से ये कचरा उठा के लाए हैं। लोगों ने शिकायत की भी, देखिए कचरा डाल रहे हैं ये, यहाँ पे एक बजरी डलनी चाहिए, वापसी डलनी चाहिए, लेकिन ये कचरा पता नहीं कहाँ से इकट्ठा किया हुआ है। उसकी वीडियो भी आई हुई है कचरा उठाएगी, और यहाँ पे आके इन्होंने कचरा डाला है ये। तो सड़क कचरा तो नहीं, इसका तो फ्यूचर क्या रहना है आपके सामने, ये देखो कचरा है, मट्टी है अंदरी, इसके अंदर तो वापसी डलनी चाहिए, कम से कम 8 इंच की वापसी है और 8 इंच की सीसी है इसमें, लेकिन उसके हिसाब से तो ये सड़क बिल्कुल नहीं चलेगी। ये देखो फॉर्मेलिटी वाले काम कर रहे हैं जी। तो ठेकेदार से आपने बात करी थी भाई? नहीं, ठेकेदार से हमारा काम नहीं रहता जी कोई, हमने तो जेई को कहा है, ईओ को मैंने वीडियो भेज दी है, अब क्या उन्होंने अभी कोई मैसेज नहीं आया उनका, जेई को कहा था मैंने कहा रुकवा दे, लेकिन उसने फिर भी उसके बाद ही एक ट्राली और आई है, मिट्टी डाल के सड़क बनाई जा रही है। हाँ, मिट्टी डाल के सड़क बनाई जा रही है आपके सामने जी। जी जी, क्या ठेकेदार है प्रधान जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी मैं कबीर चौक पे खड़ा हूँ और यहाँ स्थिति आगे देखी तो यहाँ जो नीचे गंदगी बिछाई जा रही है, और इसको देख करके मैंने ईओ साहब को फ़ोन लगाया, भाई ये बात है, तो उन्होंने कहा मैं जेई के ड्यूटी लगाता हूँ। फिर मैंने जेई साहब से बात की, वो कहते हैं भाई मैं रोकता हूँ काम, काम तो हमने खुद रुकवा दिया, लेकिन ये जो काम हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है, और इसमें मतलब कुछ भी नहीं डाला जा रहा, सिर्फ दिखावा किया जा रहा है और सड़क के नाम पर हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। मैं पहले भी बार बार आवाज़ उठा चुका हूँ कि काम को अच्छे तरीके से करो, करना है नहीं तो इस काम को बंद कर दो, हम अपने आप करवा लेंगे, मेरा यही कहना है प्रशासन से। कचरा है मिट्टी के अंदर सारा का सारा, ये आपके सामने है, देखो सारा कचरा है मिट्टी के मिट्टी में, इसमें वापसी तो है ही नहीं, नाम मात्र वापसी है, पता नहीं कहाँ से उठा के लेके आए, जैसा कि आपको एमसी साहब ने पहले बताया, और यहाँ 50-40 लोग इकट्ठे भी हो रहे हैं। तो मैं तो बार बार ईओ साहब को भी फ़ोन कर रहा हूँ, जेई साहब से भी मैंने बात की है, अगर जरूरत पड़ी तो हम डी साहब के भी जाएंगे। तो ये जो कार्य चल रहा है यहाँ पे कबीर चौक पे, इसमें खुलेआम भ्रष्टाचार की तस्वीर दिखाई दे रही है। पहले हम सोचते थे पता नहीं कैसे होता है कैसे नहीं होता, मोदी जी भी कहते हैं अभी मेरी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, परंतु यहाँ पर भ्रष्टाचार की खुली किताब दिख रही है। यहाँ पर ना तो कोई अफसर आ रहा है, ना कोई अपने जो है अपने शहर का MLA है या भी कोई जो जिम्मेवार आदमी है, कोई नहीं आ रहा। प्रधान जी ने और MC साहब ने मिल के इस काम को एक बार रुकवा दिया है। पहले भी जो सड़क बनी है वो बिना लेवल के, बिना अफसरों के, बिना इंजीनियर के बनी है जी, और यहाँ पर इतनी लेवल इसका गलत बना है कि ये झरने ऊंचे हैं, पानी एज इट इज़ खड़ा रहता है। सरकार का जितना भी पैसा लगा है, प्रशासन का जितना भी पैसा लगा है, सब बेकार है। यहाँ ये सफ़ेद हाथी बन के रह गया है जी। इस चौक पे इतनी समस्याएं हैं, पहले तो सारी सड़क बना दी है, एरिया इन्होंने छोड़ दिया, पहले तो 3 साल सड़क नहीं बनी, तो 3 साल से तो हम यहाँ दंश झेल रहे हैं। सरकार की यानी कि विकास कार्य तो देखने को ही नहीं मिल रहा, अभी कहाँ है कहाँ नहीं है जी, सिर्फ डिजिटल काम हो रहे हैं यहाँ। और इन्होंने अब ये जो सड़क का ये छोटा सा टुकड़ा बनाना है, कम से कम वहाँ आके तो ये अच्छी तरह बना सकते थे, परंतु यहाँ भी ये लिपा पोती। MC साहब बता रहे हैं ये जो गंदा माल आ रहा है यहाँ पे अच्छी चीज़ें पड़नी चाहिए, पत्थर पड़ना चाहिए, वापसी पड़नी चाहिए, परंतु ये पता नहीं कहाँ से ये सीवर का कचरा ला के इन्होंने यहाँ डाल दिया है जी। बाकी मेरी प्रशासन से ही और DC साहब से ये गुजारिश है कि एक बार इस कार्य को अच्छे ढंग से करवाएं, जो जनता का पैसा प्रशासन का पैसा यहाँ लग रहा है वो सुचारू रूप से लगना चाहिए और अच्छी जगह पे लगना चाहिए, ताकि विकास कार्य नज़र आए, और ठेकेदार का बिल रोका जाना चाहिए, अगर वो मान लो यहाँ गलत कार्य कर रहा है तो सख्ती से पेश आना चाहिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा अंकित है जी। अंकित, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह की? सर ये कहने की जरूरत नहीं, आप ये दिखाएं जरा क्या सामान डाल रखा है, ये 2 साल हो गए, पहले 3 साल तो हमने धरना ही देते रहे यहाँ पे, सड़क बनी नहीं, अब ये इन्होंने काम चालू करा तो ये घटिया का था कबाड़ कहाँ से उठा के ला के दे रहे हैं यहाँ पे, मलवा जाओ कहीं बिकता नहीं, वो ये सड़क में लगा रहे हैं। तो जरा ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा जी, इसका काम सही करवाएं और सुचारू रूप से इसका काम चलवाएं। क्या कुछ कहना चाहेंगे बाबू जी? मेरा नाम बालकृष्ण है जी। जी, मैं ये चौक के बारे में ही कहना चाहूँगा, ये चौक जो है रहायशी एरियों के 3-4 वार्डों के 3
कॉलोनियों में मुख्य मार्ग है। इसमें छोटे छोटे बच्चे औरतें जाती हैं। बीसियों बार हमने इस चौक पे बच्चों को औरतों को गिरते हुए देखा है। हमने उसके स्कूटियों को धक्के दे के निकाला है। ये आप देखो छोटे छोटे टुकड़े छोड़ रखे हैं, जैसे फटे हुए कपड़े को कारी लगाते हैं ना, वैसे कारियां लगाने का काम कर रहे हैं। कहीं इन्होंने 10 फुट का टुकड़ा छोड़ दिया, कहीं इन्होंने 5 फुट का टुकड़ा छोड़ दिया। ये हमारे हिस्से में नहीं है, तो ये किसके हिस्से में है जी, ये बताया जाए। कमेटी कहती है हमारे हिस्से में नहीं है, हुड्डा कहता है हमारे हिस्से में नहीं है, नगर पालिका कहती है हमारे हिस्से में नहीं है। तो ये 20 फुट के 10-10 फुट के जो टुकड़े छोड़ रहे हैं सड़कों के आपस में जोड़ मिलाने के लिए, कि ये पाकिस्तान के बाहर का एरिया है क्या ये, जो कि यहाँ वाले लोग लोग कहते हैं कि हमारा नहीं है। तीनों विभाग कहते हैं, हुड्डा कहता है हमारे हिस्से में नहीं है, मार्केट कमेटी कहती है हमारे हिस्से में नहीं है, और दूसरे लोग कहते हैं हमारे हिस्से में नहीं है। तो किसके हिस्से में है? ये एडिशन मंडी की और चौक की सड़कें तीन लाइन है, तीनों में 20 फुट के टुकड़े छोड़ दिए, इनको जोड़ आपस में नहीं मिला रहे है। तो ये इन टुकड़ों को कौन बनाएगा जी? हर आदमी जिससे बात करते हैं, यहाँ गंदगी के सिवाय कुछ नहीं है जी। इस सड़क को सिर्फ फटे कपड़े की कारियाँ लगाने का काम हो रहा है और कुछ नहीं है। और इस चौक की दुर्दशा पिछले 20-25 सालों से 30 सालों से मैं तो ऐसे ही देखता रहा हूँ। बस प्रशासन से हाथ जोड़ के एक ही गुजारिश है, यहाँ पे कुछ किश्तियाँ छोड़ दें ताकि उनकी बेइज्जती होने से बच जाए, लोग तैर के कम पार तो हो जाए, क्योंकि उनके बस की नहीं है यहाँ पे रोड वगैरह कुछ बनाना। और ये जो धांधली कबीर साहब के चरणों में कर रहे हैं, तो ये तो भुगत भोगी वो करना ही पड़ेगा, उनको भुगतना पड़ेगा। और ये कार्य जिस प्रकार से भ्रष्टाचारी कार्य हो रहा है, उस ठेकेदार को और जेई को और जो बड़े प्रशासन के अधिकारी, उनको हम चेताव लेना चाहते हैं, ये कार्य यहाँ पे बिल्कुल नहीं होने देंगे। इससे बेहतर यहाँ है तो 4-5 किश्तियाँ छोड़ दो तो हम आर पार कर लेंगे, लेकिन ये कार्य बिल्कुल भ्रष्टाचार वाला बिल्कुल नहीं होने देंगे। यदि ऐसा होता है तो मंडी मजदूर समस्त इकट्ठा होकर इस कार्य का विरोध करेगा और धरना देगा, कहेंगे उस प्रशासनिक अधिकारी के घर पे धरना देने शुरू कर देंगे ऑफिसों में, ताकि उनकी आंखें खुलें और हमारे गुरु की बेअदबी जो ये कर रहे हैं इस प्रकार से धांधली का कार्य करके, इसको बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। आपके माध्यम से उनको चेताया जा रहा है, यदि कार्य को सही तरीके से सुचारू रूप से बीच में जो कार्यां छोड़ रखी हैं, बीच में पट्टियां छोड़ रखी हैं, इनको उखाड़ के बढ़िया तरीके ढंग से लेवल करके इंजीनियरिंग सिस्टम से इस रोड को बनाया जाए, ताकि पानी की ढलान और सब कुछ सुचारू रूप से चल सके। यही आपसे गुजारिश है, आपके माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी को चेतावनी देना चाहते हैं, यदि ये कार्य चलेगा तो हम बिल्कुल नहीं करने देंगे। धन्यवाद।